हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको कुछ रखी हुई मिठाइयों से ये रोल बनाना दिखा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। आपको पता है आजकल गाजर का सीजन चल रहा है, तो गाजर का हलवा अगर आपके यहाँ रखा हुआ हो तो कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये मिठाई बिल्कुल अलग मिठाई आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको आप किस तरह से बना के तैयार करें। इसको बनाने के लिए ये मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड की स्लाइस, इनको जो साइड्स हैं वो मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको बेलन से आप अच्छे से बेल कर तैयार करें। आपको ब्रेड फ्रेश ही लेनी है, हालांकि मैंने ये कल की ब्रेड ली है। इसी तरह से ही आपको ये ब्रेड तैयार रखना है। अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए गाजर का हलवा लिया है मैंने, ये गुलकंद है और ये रबड़ी है। तो गुलकंद की रेसिपी मैंने आपको बताई है किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं, और झटपट रबड़ी किस तरह से बनाए ये भी मैंने आपको बताया है। गाजर का हलवा भी मैंने आपको बताया है, तो आप देखकर बना के तैयार कर सकती हैं। और ब्रेड नॉर्मली सभी जगह मिल जाती है, तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेड में ऊपर से ये रबड़ी इस तरह से लगा दूँगी। चारों तरफ आप अच्छे से ये रबड़ी लगा दें, और इसके बाद ही फिर मैं गाजर का हलवा पूरी तरह से सभी जगह लगा दूँगी, अच्छा सा टेस्ट आए। इसीलिए आप ज़्यादा सही लगाएं, कंजूसी बिल्कुल मत करें। बहुत ज़्यादा अच्छा रोल बनके तैयार होता है। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ अच्छा खाने का मन है या बहुत झटपट बन जाए जो चीज़, तो इससे झटपट तो कुछ बन ही नहीं सकता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही आप इसको रेडी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो हलवा तो ज़्यादातर इस सीज़न में सभी लोग बना के तैयार करते हैं। रबड़ी भी मैंने आपको बताई है कि इंस्टेंट रबड़ी आप किस तरह से बना के तैयार करें, इसीलिए तो रबड़ी आप ज़रूर बनाएं। और गुलकंद तो नॉर्मली मिल भी जाता है मार्केट में, तो आप ये ज़रूर मंगाएं, गुलकंद से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए मैंने बहुत सारा गुलकंद भी रख दिया बीच में। अब मैं रोल बनाऊंगी, तो धीरे धीरे दबाते हुए मैं इसको एक रोल में बना के तैयार कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है, और यकीन मानिए ये अगर आप किसी को सर्व करेंगे तो कोई पहचान ही नहीं सकता है कि ये रोल इतना ईजिली बनकर तैयार होता है। आज मैं आपको बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी बता रही हूँ, जिसको इजीली आप बना के तैयार भी कर सकते हैं। ये देखिए रबड़ी भी तैयार है। अब जो रोल बना के तैयार किया है वो रबड़ी में डिप करेंगे। सबसे पहले रबड़ी को इस समय आपको थोड़ा सा पतला कर लेना है, इसके लिए आप इसमें गर्म दूध भी डाल सकती हैं। और ये देखिए जैसे ही डिप किया मैंने, तुरंत ही इसको डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का जो बुरादा भी बोलते हो आप, जो भी बोलते हो, उसमें मैं डाल दूँगी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही मैंने रबड़ी में डिप किया और एक साइड, मैंने इसको इसी तरह से ही करते जाना है, और नारियल का जो बुरादा है या डेसिकेटेड कोकोनट, वो पूरी तरह से आप इसमें चारों तरफ एक सा कर दें। और ये देखिए रोल तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से ही आपको सारे रोल बना के तैयार करना है। तो ये देखिए मेरे सारे रोल तैयार हो चुके हैं। इसको आप किसी भी तरह से सर्व करें, ऊपर से कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद सर्व करेंगे, तो फिर तो इस मिठाई की बात ही अलग होगी। तो देखा आपने कितने अच्छे रोल आप इजीली कुछ अलग करके सर्व कर सकती हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नॉर्मली तो सभी एक सा बनाते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग बनता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो मुझे यकीन है ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर आपको पता चलेगा ये कितनी ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।